आज मैं आपके सामने ग्रेनाइट लेके आया हूँ। आप पूछेंगे ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट इंडिया का हार्डेस्ट स्टोन है। आप पूछो ये यूज़ कहाँ होता है? मैं सारी डिटेल्स आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूँ आज बार। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करा है क्लिक कर लीजिए। हाय, माय नेम इज शशांक जैन, फाउंडर ऑफ वुडोफा इंटीरियर्स। वेलकम टू माय चैनल वुडोफा। आओ देखते हैं कि ग्रेनाइट में क्या क्या वैरायटी है, किस किस टाइप का है और उसकी थिकनेस क्या होती है। सो सबसे पहले हम वाइट ग्रेनाइट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसकी थिकनेस 18 mm से 20 mm के बीच में आती है। लोग इसको 16 mm में भी बनाते हैं पर आप उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। कम से कम थिकनेस ग्रेनाइट की 18 mm होनी ही चाहिए अगर आप इसको ढंग से यूज़ करना चाहते हैं। इसके यूसेजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला इसका यूसेज है फ्लोरिंग, क्योंकि हार्ड स्टोन है तो आप इसको पार्किंग में, स्टिल्ट फ्लोर पे, जीने में, बालकनीज में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ और कितने कितने टाइप के ग्रेनाइट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल मार्केट में। सो ये सेकेंड टाइप है विच इज़ स्टील ग्रे। तो ये स्टील ग्रे कलर का ग्रेनाइट होता है विच इज़ लाइट ग्रे, डार्क ग्रे इसका टोन है और इसको भी 18 mm से 20 mm की थिकनेस पे पाया जाता है। इन सब की रेंज और वेराइटी इज स्टार्टिंग फ्रॉम 60-70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट एंड गोज़ अप टू 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मैं अभी आपको सिर्फ इंडियन ग्रेनाइट के बारे में बात कर रहा हूँ। इम्पोर्टेड ग्रेनाइट भी आता है, उसको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर आखिरी में और बताएंगे कि वो डिफरेंट क्यों हैं। आइए, सो ये ब्राउन कलर का ग्रेनाइट है। इसके नाम बहुत सारे हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। कोई इसको टैन ब्राउन बोलता है, कोई इसको टाइगर ब्राउन बोलता है, ऐसे बहुत सारे इसके नाम और कलर्स हैं। तो ये एक ब्राउन कलर का ग्रेनाइट स्टोन है जो कि आपके बालकनीज में, पार्किंग में, कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है। सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, ये अनदर ग्रेनाइट है। काफ़ी अच्छा शेप है इसका, आप देखें इसके अंदर बहुत सारे प्रिंट्स हैं। इसको बोलते हैं पर्ल ब्लैक, पर्ल ब्लैक के नाम से ये ग्रेनाइट है एंड इसकी रेंज अबाउट 90-100 रुपीज़ स्क्वायर फीट के बीच में कहीं पर होती है। सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट ग्रेनाइट विच इज़ पर्ल ब्राउन, क्योंकि अगर ये अनदर ब्राउन शेड में है तो इसको हम बोलते हैं पर्ल ब्राउन। सो आप देख लीजिए, ये एक पर्ल ब्राउन कलर का ग्रेनाइट है, ये भी बहुत सुंदर लगता है। सो ये पर्ल ब्राउन या कॉफी ब्राउन कलर का ग्रेनाइट है, ये भी बहुत पॉपुलर है और ये भी काफी जगह यूज होता है। ये देख लीजिए पूरा ग्रेनाइट के बारे में आप। सो गाइस, ये वाला ग्रेनाइट का नाम है टाइगर ब्राउन और ये है पिंकी ब्राउन। सो इसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। इसकी रेंज भी एक टिपिकल इंडियन ग्रेनाइट की तरह 70-100 रुपए के बीच की होती है एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन बाय फॉर योर स्टेयरकेस, बालकनीज, पार्किंग्स। सो अब मैं आपको एक नया प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ विच इज़ गैंगसॉक ग्रेनाइट, क्योंकि आप देखते हैं कि ग्रेनाइट ना बहुत अनइवन शेप में आता है। सो ये गैंगसो है, इसकी थिकनेस बहुत मोटी है, ये 25-30 mm के बीच में मिलता है एंड 20 mm की थिकनेस भी इसकी आती है। सो ये यूज़ आप देखते हैं बहुत ही स्क्वायरिश शेप है। इसको एक प्रीमियम ग्रेनाइट या क्वार्ट्स के नाम से भी बेचा जाता है बाजार में एंड दिस इज़ अबाउट 200-300 रुपीज़ अ रेंज PSF। अब इसमें आप देखेंगे अगर बहुत डीप में तो ये भी गैंगसॉक ग्रेनाइट है पर इसके अंदर फिनिश लपाटो की गई है। तो इसमें लपाटो फिनिश, ड्राई फिनिश और बहुत सारी फिनिशेस किए जा सकते हैं जस्ट टू मेक इट मोर अनइवन सरफेस। जनरली ग्रेनाइट काफ़ी स्मूथ होता है, पानी से कोई गिर सकता है उसके अंदर, तो उसकी स्मूथनेस को कम करने के लिए कई बार हम एक्स्ट्रा एडेड फिनिशेस कर देते हैं जो कि एक्स्ट्रा एडेड कॉस्ट होती है, पीपल चार्ज एंड देन दे कैन गिव इट टू यू। गाइज, अभी तक हम इंडियन ग्रेनाइट के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं आपको इम्पोर्टेड ग्रेनाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि इम्पोर्टेड ग्रेनाइट क्या होता है। ये भी एक अच्छा थिक मार्बल है जो कि इम्पोर्ट किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं द सरफेस इज वेरी नाइस, वेरी स्मूथ एंड इसके अंदर बहुत सारे शेड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको एक्जॉटिक एक्स्ट्रा बोला जाता है। सिमिलरली अनदर काइंड ऑफ इम्पोर्टेड ग्रेनाइट इज दिस। सो नाउ इफ़ यू सी, सो इसके अंदर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है एंड ओवरऑल इट इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी नाइस एंड प्रीमियम। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू शेड, थोड़ा सा ब्लैक शेड देख रहे हैं बिकॉज ये भी एक इम्पोर्टेड ग्रेनाइट है और ये भी काफ़ी अच्छा शेड मारता है। और दो मैं ग्रेनाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जाइएगा मत। सो गाइज, ये भी एक इम्पोर्टेड ग्रेनाइट है, ये भी किचन काउंटर्स में बहुत यूज़ होता है।
और जो भी कोई अच्छा प्रीमियम किचन काउंटर बनाना होता है तो ये इसको यूज़ करते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं ब्लैक पर्ल, ब्लू पर्ल, दो तरीके के ग्रेनाइट्स आते हैं। ये ब्लू है और मैं आपको ब्लैक पर्ल भी अभी दिखाने वाला हूँ। तो ब्लू पर्ल के अंदर थोड़ा सा शेड ऑफ ब्लू आता है और थोड़ा स्पार्कल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा स्पार्कल आता है और उसकी वजह से थोड़ा प्रीमियम ग्रेनाइट की कैटेगरी में माना जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लैक पर्ल। ब्लैक पर्ल अपने आप में ब्लैक है, इसके साथ भी कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस ऑफ ब्लूज हैं, तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शंस ऑफ ब्लू आ रहे हैं एंड इट इज़ आल्सो लुकिंग एट अ प्रीमियम कैटेगरी। ये सब लोग इम्पोर्टेड ग्रेनाइट है बिकॉज ये इम्पोर्ट होते हैं, इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते और वेरियस कंट्रीज से इसको इम्पोर्ट किया जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेड मार्बल और इम्पोर्टेड ग्रेनाइट बोला जाता है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा ऑन ग्रेनाइट। सो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनाइट शो करने की कोशिश करी। मैं दोबारा बताता हूँ, ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड स्टोन। इसकी रेंज 60 रुपये से लेकर 200-250 रुपये तक की होती है इंडियन ग्रेनाइट की। इम्पोर्टेड की रेंज 300-250 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होकर और 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाती है। अब आप ग्रेनाइट खरीदने जब भी जाएँ तो गलती मत करिएगा, कोशिश करिएगा 18 से 20 mm की थिकनेस का ग्रेनाइट ही लें। और ग्रेनाइट का मैंने यूसेज आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और डू नॉट फॉरगेट द बेल नोटिफिकेशन आइकन देयर, उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, सी यू ऑन अनदर वीडियो फ्रॉम वुडोफा। थैंक यू।